वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों बीपीएससी 67 काफी नजदीक है, अगस्त में लास्ट में होने वाला है और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर अब तक के अपडेटेड है, ठीक है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के करंट अफेयर्स शामिल होंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनसे आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF पहल में कौन से देश शामिल नहीं है। विच कंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ब्रुनोई, इंडोनेशिया, कोरिया पहला ग्रुप है, दूसरा है न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, तीसरा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, ठीक है। तो आंसर जो होगा उसमें पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, इस पहल में पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने की है। अमेरिका के साथ साथ 12 अन्य देश जो है इसमें शामिल है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। देख सकते हैं आप पाकिस्तान कहीं नहीं है इसमें, तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये देश जो है वो विश्व के जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये याद रखिएगा। और IPEF का उद्देश्य क्या है, तो IPEF का उद्देश्य है आने वाले दशकों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संबंधों को मजबूत करना। तो IPEF का मेन एम जो है वो स्ट्रेंथन टाइज फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इन द कमिंग डिकेड्स, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, यह किस भाषा से अनुवादित उपन्यास है, मतलब मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था यह बताना है। ऑप्शन है रिसेंटली द टॉम्ब ऑफ सैंड हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इट इज द नोवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या फिर गुजराती। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा क्योंकि यह मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री का यह उपन्यास है और यह टॉम ऑफ सैंड जो है वो बुकर पुरस्कार जीतने वाला किसी भी भारतीय भाषा से अनुवादित पहला उपन्यास है। टॉम ऑफ सैंड इज द फर्स्ट नोवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन बुकर प्राइज, ओके। और यह जो है मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था रेत समाधि के रूप में, ठीक है, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हिंदी एज रेत समाधि, याद रखिएगा। और इसका जो अनुवाद किया गया है वह डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में किया गया है, याद जरूर रखना है, ठीक है, डेजी रॉकवेल। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में देखें तो वार्षिक रूप से किसी ऐसे पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवार्डेड एनुअली, सबसे पहले तो एनुअली दिया जाता है ये याद रखना है, और अ बुक दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। और इसमें क्या शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी और शुरुआत जब हुई थी तब इसका नाम था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, स्टार्टेड इन द ईयर 2005 एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे देख लेते हैं, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए करीम चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था, विच कंट्री नेम्ड द करीम साइक्लोन दैट हिट द बे ऑफ बंगाल रिसेंटली, पाकिस्तान, भारत, सेशेल्स और इराक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा सेशेल्स, ठीक है, सेशेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में, चक्रवात आसनी भी एक आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय था और इसका एक जुड़वा चक्रवात बाद में आया जिसका नाम था चक्री, मतलब कि करीम, मतलब पहले से आसनी चक्रवात सक्रिय था, एक्टिव था और उसके बाद जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये जो आया चक्रवात करीम, ठीक है। और दोनों जो है हिंद महासागर क्षेत्र में बने थे, याद रखिएगा, बोथ वर मेड इन द इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, और दोनों ही चक्रवात एक ही देशांतर में उत्पन्न हुए थे, ठीक है, एक ही देशांतर में उत्पन्न हुए और अब जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। इस चक्रवात का नाम करीम जो था वो सेशेल्स ने दिया था, ठीक है। बोथ द साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन द सेम लॉन्गिट्यूड एंड आर नाउ सेपरेटिंग,
बोथ वर मेड इन द इंडियन ओशियन रीजन, याद रखिएगा। और ये जो है आपका साइक्लोन करीम, इसका जुड़वा चक्रवात किसको कहा जाएगा, ट्विन साइक्लोन जो है वो किसको कहा जाएगा, साइक्लोन असानी को कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी हथियार क्षमता में पांचवी पीढ़ी के पायथन 5 मिसाइल को जोड़ा है। पायथन 5 के बारे में बताना है कि यह क्या है। तेजस इंडिया इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एडेड द फिफ्थ जनरेशन पायथन 5 मिसाइल्स इन इट्स वेपन कैपेबिलिटी। पायथन 5 इज ए, व्हाट इज पायथन 5? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर, सी टू एयर, या फिर एयर टू सी मिसाइल, ठीक है, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यह जो है वो आपका एयर टू एयर मिसाइल है। आंसर क्या हो जाएगा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है पायथन 5। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा यह बनाया गया है। गोवा में इसका परीक्षण किया गया, तेजस विमान से किया गया, याद रखिएगा। पांचवी पीढ़ी का है पायथन 5 और एयर टू एयर मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। उद्देश्य क्या है, एम है, क्या है एम इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वैलिडेट द इनहेंस कैपेबिलिटी ऑफ डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज AAM ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ऑन तेजस, मतलब तेजस पर पहले से ही जो एकीकृत आपका डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल तैनात है, AAM तैनात है, एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं AAM को, तो उसकी बढ़ी हुई क्षमता को मान्य करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। पायथन 5 का निर्माण जो है वो इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह दुनिया के सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गाइडेड मिसाइल्स में से एक है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे परिष्कृत निर्देशित मिसाइलों में से एक। नेक्स्ट है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच स्पॉट इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021, तो 49th, 50th, 51st और 52nd, आंसर क्या हो जाएगा, 49th हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, भारत को 104 देश, टोटल 104 देश थे जिसमें कि 49th प्लेस पर भारत को रखा गया है। फिनलैंड जो है वह शीर्ष स्थान पर है यानी कि टॉप पोजीशन पर है, और वेनेजुएला जो है वो 104th यानी कि लास्ट रैंक जो है वेनेजुएला का है, ठीक है। रैंक 1 किसका है, फिनलैंड का है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड है, थर्ड पर सिंगापुर, फोर्थ पर नीदरलैंड और फिफ्थ पर कौन है, डेनमार्क है, ठीक है। यह जो है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में, ठीक है, हेडक्वार्टर किधर है, सिंगापुर में है। सूचकांक जो है वो 7 स्तंभों के आधार पर तैयार किया जाता है, 7 पिलर्स है इसके, 7 पिलर्स देयर आर, और इसका जैस और 7 पिलर्स हैं उनमें कौन कौन सा शामिल है, तो नेतृत्व और दूरदर्शिता यानी कि लीडरशिप एंड विजन, दूसरा है मजबूत संस्थान यानी कि स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, तीसरा है मजबूत कानून और नीतियां यानी कि स्ट्रांग लॉज एंड पॉलिसीज, आकर्षक बाजार स्थान यानी कि अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, उसके बाद वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और लोगों की वृद्धि यानी कि हेल्पिंग पीपल ग्रो, और वैश्विक प्रभाव यानी कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रिपुटेशन मतलब कि प्रतिष्ठा, तो ये 7 इसके पिलर्स हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस ऑथर्ड बाय, ऑप्शन क्या क्या है, किरण बेदी, द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी और स्मृति ईरानी, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा किरण बेदी, किरण बेदी, द्रौपदी मुर्मू इंडिया की उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड से संबंधित है। स्मृति ईरानी आप लोग जानते ही हैं केंद्रीय सरकार में मंत्री है, और ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की कौन है, मुख्यमंत्री है, तो इसका आंसर जो है वो आपका किरण बेदी है, जो कि कहाँ की राज्यपाल रही थी, पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल, उपराज्यपाल रही थी, और वहां जो उन्होंने उनका जो अनुभव था उसी के आधार पर यह जो है तैयार किया है उन्होंने बुक। 40 वर्षों का इनका टोटल अनुभव है भारतीय पुलिस सेवा में, यानी कि IPS भी थी, पूर्व IPS और पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी थी, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, ठीक है। बेस्ड ऑन डॉक्टर बेदीज नियरली 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी एंड हर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडियन पुलिस सर्विस, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विच इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ऑप्शन है परम व्योम, परम अनंत, परम गंगा या फिर परम शून्य, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है आपका परम अनंत, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, परम अनंत इसका नाम है, सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, क्षमता क्या है, तो 838 टेराफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इसकी जो है, ये सबसे पहले देख लेते हैं, 838 टेराफ्लॉप्स,
और यह जो है आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक जो है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, मतलब कि आईआईटी गांधीनगर, इन दोनों के द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, ठीक है। और परम आनंद की रैंकिंग जो है वो सीडेक के परम सिद्धि एआई कंप्यूटर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर से पीछे होगी, ठीक है। परम सिद्धि जो था वह नवंबर 2021 तक दुनिया का 102वां, मतलब 102nd सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसका रैंक क्या था, 102nd था, ठीक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पूरे देश भर में 24 पेंटाफ्लॉप की कुल गणना क्षमता वाले 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 15 सुपर कंप्यूटर्स विद अ टोटल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी ऑफ 24 पेटाफ्लॉप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड सो फार अक्रॉस द कंट्री। और ये सभी कंप्यूटरों का निर्माण जो है वो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक पर काम कर रहा है, ठीक है। ऑल द सुपर कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वर्किंग ऑन द इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर स्टैक, ओके, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई सेला मकाक किसकी नई प्रजाति है। सेला मकाक फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इज द न्यू स्पीसीज ऑफ, तो यहाँ पर है बंदर, गिद्ध, जंगली सुअर या फिर तितली। आंसर क्या हो जाएगा, मंकी, यानी कि बंदर की नई प्रजाति है। और कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में यह पाई गई है, याद रखिएगा। नामकरण जो है वो सेला दर्रा के नाम पर किया गया है, नेम्ड आफ्टर सेला पास। और सेला दर्रा की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो समुद्र तल से 13,700 फीट है, ठीक है, 13,700 फीट अबव सी लेवल। सेला मकाक जो है वो अनुवांशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदरों की मकाक प्रजाति का करीबी बताया गया है। सेला मकाक इज सेड टू बी जेनेटिकली क्लोज टू द मेकॉक स्पीसीज ऑफ मंकीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड 23rd of January, 25th of January, 23rd of March, 25th of March। आंसर क्या हो जाएगा, 23rd of March, 23rd of March को ये मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में, 23rd March को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे। 2022 में इसकी थीम क्या थी, थीम 2022 प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, यानी कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और इसी दिन जो है 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी, जो आपका वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वो एस्टेब्लिश हुआ था 23 मार्च 1950 को, याद रखिएगा। और यह जो है अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल कितने देश शामिल है, 191 कंट्री जो है वो इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, ये क्वेश्चन है। वेयर विल इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बी ओपेंड, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में खोला जाएगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। कचरे का निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन विल बी डन इन अ सेफ एंड साइंटिफिक मैनर। इट विल बी बिल्ट ऑन 20 acres ऑफ लैंड, 20 एकड़ जमीन पर इसको बनाया जाएगा। और द फैसिलिटी विल इंक्लूड डिसमेंटलिंग, रिफर्बिशमेंट, इसके अलावा सेपरेशन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, मटेरियल वाइज स्टोरेज एंड टेस्टिंग फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबीज थ्रू हाईटेक एंड फ्रीशियस मेटल एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज। तो उच्च तकनीक माध्यम से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से निराकरण, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं टीवी वगैरह में या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देखते होंगे, बहुत सारे आईसीज वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो पीसीबी उसको कहा जाता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसका नवीनीकरण, पृथककरण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सामग्री के अनुसार भंडारण और परीक्षण और साथ में कीमती धातु निष्कर्षण सुविधाएं इसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनेगा। वेयर विल इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बी बिल्ड, कानपुर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका जबलपुर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा, याद रखिएगा कि कहाँ बनाया जाएगा, लम्हेटा इन जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। खनन मंत्रालय के तहत यह आता है, तो इस पे खनन मंत्रालय जो है इसके लिए मंजूरी दे चुकी है, याद रखिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कि खनन मंत्रालय के तहत आता है उसके द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है।
ठीक है, क्लियरेंस फॉर द पार्क बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके तहत आता है, तो यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और 1928 में विलियम हेनरी स्लेमन ने इस क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। 1928 विलियम हेनरी स्लीमन डिस्कवर्ड डायनासोर फॉसिल्स फ्रॉम दिस एरिया एंड लम्हेटा हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत कहाँ है, वेयर इज द फर्स्ट पंचायत इन इंडिया टू बी कंप्लीटली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। पहला ऑप्शन है जम्मू, दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा असम। आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पल्ली गांव नाम क्या है गांव का, पल्ली गांव जो कि सांबा जिला जम्मू में है, यह भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। पल्ली विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। प्रधानमंत्री मोदी ने 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन यहां पर किया था। और कार्बन तटस्थता क्या है, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, यह देख लेते हैं। तो अचीविंग जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन विच कैन बी अचीव्ड बाय बैलेंसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन थ्रू दियर रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ इमिशन, मतलब कि शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है कार्बन तटस्थता का, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को उसके निष्कासन या उत्सर्जन के उन्मूलन के माध्यम से संतुलित करके प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जितना आपका आउटपुट हो रहा है उसको कम कर देना, ठीक है, और इनपुट जो है उसको भी कम कर देना, मतलब दोनों को इनपुट और आउटपुट जो है दोनों को अगर संतुलित कर दे तो क्या होगा, कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बी आर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट बी आर अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी एज इक्वालिटी डे। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसके बारे में, डॉक्टर अंबेडकर की कृतियों का तमिल में अनुवाद और प्रकाशन भी किया जाएगा, मतलब डॉक्टर अंबेडकर का जो वर्क है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा तमिल में, ठीक है, ट्रांसलेशन भी किया जाएगा और पब्लिकेशन भी किया जाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा। चेन्नई स्थित अंबेडकर मणि मंडपम में डॉक्टर अंबेडकर की आदमगत काल से प्रतिमान लगाई जाएगी। अ लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर विल ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड एट अंबेडकर मणि मंडपम इन चेन्नई, याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया गया था कब, 17 सितंबर को पेरियार जयंती पर, ठीक है, तो ये पहले से घोषित है 17 सितंबर पेरियार जयंती पर। कौन सा दिवस, सामाजिक न्याय दिवस यानी कि सोशल जस्टिस डे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस्ड स्टील स्लैग औद्योगिक कचरा से सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम प्रोसेस्ड स्टील स्लैग यानी कि इंडस्ट्री बेस्ड। सूरत, पुणे, इंदौर और चेन्नई, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरत, याद रखिएगा सूरत, ठीक। वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत ये जो है बनाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और केंद्रीय इस्पात मंत्रालय यानी कि सेंट्रल स्टील मिनिस्ट्री, नीति आयोग जो है जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है, और हजीरा में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा एक संयुक्त उद्यम परियोजना है, मतलब कि ये सारे ने मिल करके ज्वाइंटली ये परियोजना बनाई है, ठीक है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, यही इसका AM से आर्सेलर मित्तल और NS से हो गया निप्पॉन स्टील। स्लैग क्या होता है, स्लैग जो है वो पिघली हुई फ्लक्स सामग्री के लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्टील की भट्टी फर्नेस में दहन करने से अशुद्धता के रूप में उत्पन्न होता है। स्लैग क्या होता है, arises as impurity due to combustion of molten flux material at about 1500 to 1600 degrees centigrade in a steel furnace, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, वेयर वॉज द वाटर कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज टू डिस्कस न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कोऑपरेशन इन द वाटरवे सेक्टर बिटवीन डिफरेंट नेशंस। तो ऑप्शन है इसमें असम, त्रिपुरा, गुजरात और ओडिशा, ठीक है। तो इसका
कहां पर किया गया? ये किया गया आपका असम में, आयोजन इसका किया गया। देख लेते हैं इसके बारे में, वाटर कॉन्क्लेव 2022 जो है उसका आयोजन कहां किया? असम के डिब्रूगढ़ में किया गया, ठीक है। और यह जो है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त तौर पर किया गया, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ज्वाइंटली विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पार्टनर कौन है? तो पार्टनर है इसमें फिक्की एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। याद रखिएगा फिक्की और आईसीसी जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें साझेदार है, यानी कि भागीदार, ठीक है, पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड ऑन मार्च 30, 2022? देख सकते हैं थाईलैंड, जापान, श्रीलंका और भूटान। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया और इसका थीम क्या था? टुवार्ड्स अ रिजिलियंट रीजन प्रोस्पेरस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल, मतलब कि एक रिजिलियंट क्षेत्र, उसके अलावा समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोगों की ओर, ठीक। आगे देख लेते हैं बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन है, मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वन द मेन्स सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन 2022? ऑप्शन है एच एस प्रणॉय, विक्टर एक्सेलसेन, इसके अलावा जोनाथन क्रिस्टी और लक्ष्य सेन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी। यहाँ पर एच एस प्रणॉय जो है वो भारत के हैं और ये हार गए थे फाइनल में, पुरुष एकल के फाइनल में एच एस प्रणॉय जो है वो हार गए, उप विजेता बने, ठीक है, रनर अप रहे, और जोनाथन क्रिस्टी जो है वो जीत गए थे, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए तो वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु जो है वो जीत गए, थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुगफान को हराया है उन्होंने बेसल में, ठीक है, याद रखिएगा बेसल में हुआ था महिला एकल का खिताब, यानी कि वुमेन सिंगल्स का खिताब। पीवी सिंधु जो है वो जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ट्रॉफी भी जीती थी, ठीक है। तो पीवी सिंधु वन द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल इन जनवरी 2022 ऑल्सो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जोनाथन क्रिस्टी ने मेन्स सिंगल्स का अवार्ड जीता स्विस ओपन 2022 में, और वुमेन सिंगल्स का पुरस्कार किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेफिचू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा किया? कहां पर एक्सकैवेशन वर्क पूरा किया? नेफिचू टनल का, ठीक है, किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो देख लेते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, परियोजना वर्तक के द्वारा बीआरओ के द्वारा निर्मित किया गया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट वर्तक। अल्टीट्यूड क्या है, मतलब ऊंचाई कितनी है? 5,700 फीट है, और इसका शेप कैसा है? डी शेप में है और 500 मीटर लंबा है, ठीक है। ये टनल जो है वो 500 मीटर लॉन्ग है। प्रोजेक्ट वर्तक क्या है देख लेते हैं, प्रोजेक्ट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया, ठीक है, मतलब कि रक्षा मंत्रालय के तहत यह जो है बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन की एक परियोजना है। इसका गठन जो है 7 मई 1960 को किया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, ठीक है, याद रखिएगा, और दूसरी सीमा सड़क विकास बोर्ड के बैठक के प्रावधान के रूप में किया गया था, प्रोजेक्ट टस्कर के रूप में, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट टस्कर था, और अब इसका नाम क्या हो गया? प्रोजेक्ट वर्तक हो गया, ठीक है। बाद में 1963 में प्रोजेक्ट वर्तक इसका नाम दिया गया था, इट वॉज रीनेम्ड प्रोजेक्ट वर्तक इन 1963। इस परियोजना का प्रारंभिक कार्य क्या था? सबसे पहला जो काम था वो था भालुकपोंग और टेंगा के बीच सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना, ठीक है, और यह सीमा सड़क संगठन की पहली स्थापित परियोजना है। दिस इज द फर्स्ट एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कार्य को बाद में अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए विस्तारित किया गया था। द वर्क वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहां आयोजित हुआ? वेयर वाज द 2022 क्वाड समिट हेल्ड ऑन 24th ऑफ मई 2022?
ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जापान। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? ये चारों देश आते हैं, चारों जो ऑप्शन में देश दिए हुए हैं ये सब देश आते हैं क्वाड में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, याद रखिएगा फुमियो किशिदा, और यहाँ पर जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी कल ही हत्या कर दी गई है, तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। नव निर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीश, ये चारों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। पहला कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसमें क्या किया गया है? क्वाड फेलोशिप लॉन्च किया गया है, जिसमें अमेरिका के जो प्रमुख विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट है, उनमें अध्ययन के लिए 25 छात्रों का चयन किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और अमेरिका के जो टॉप कॉलेज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हों, मैथमेटिक्स से या फिर साइंस से जुड़े हुए हों, उनमें 25 छात्रों को स्कॉलरशिप के तहत शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्वाड देश के आगे देख लेते हैं इसका विजन क्या है। क्वाड का विजन क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यह आपको याद रखना चाहिए। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है यह क्वाड का विजन है, और पूर्व और दक्षिण चीन समुद्र में एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज। ठीक है, क्वाड सदस्य देशों द्वारा क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, क्वाड फेलोशिप, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप आदि का गठन किया गया है। तो क्वाड कंट्रीज के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में है ये। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, क्वाड फेलोशिप, इसके अलावा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप, और ये सब जो है इसके द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं क्वाड के द्वारा, आपको याद रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हाल ही में जारी पासपोर्ट रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 81st, 82nd, 83rd और 84th। ठीक है, देख लेते हैं। पिछले साल जो है वो 90वां स्थान दिया गया था, और इस साल जो है वो 83rd स्थान दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 83rd हो जाएगा। सॉरी, पहले मैंने आंसर नहीं बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 83rd रैंक हो जाएगा, और भारत को मध्य अफ्रीका के साओ टोम और प्रिंसिपे, ये दोनों देशों के साथ ज्वाइंटली 83rd प्लेस दिया गया है। पिछले साल क्या था? 98th प्लेस था। ठीक है, और जापान और सिंगापुर जो है वो टॉप पोजीशन पर है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? कि कोई भी देश बिना पासपोर्ट धारक, मतलब कोई भी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सोच हाउ मेनी कंट्रीज अ पासपोर्ट होल्डर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री कैन ट्रेवल विदाउट अ प्रायर वीजा। इसको 2005 में लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, और 199 देशों के पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य इसमें शामिल हैं। इंक्लूड्स पासपोर्ट्स फ्रॉम 199 कंट्रीज एंड 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, जो कि लेटेस्ट है। आगे देख लेते हैं, रेल मंत्रालय स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग करेगा? विद विच इंस्टीट्यूट विल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोलैबोरेट टू डेवलप एन इंडिजिनस हाइपर लूप सिस्टम? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, पटना, हैदराबाद या मद्रास। आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन करेगा। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप टेक्नोलॉजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। उत्कृष्टता केंद्र का क्या मतलब? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपर लूप टेक्नोलॉजीज एट आईआईटी मद्रास। केंद्र का निर्माण जो है, ये जो सेंटर है उसका निर्माण जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा रेलवे अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। सेंटर क्रिएटेड बाय आईआईटी मद्रास थ्रू रेलवे रिसर्च सेंटर। ठीक है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मेक इन इंडिया एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव। हाइपर लूप जो है वो एक परिवहन तकनीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, जो लोगों के सामानों के परिवहन के लिए कम दबाव वाली ट्यूबों या सुरंगों में चुंबकीय उत्तोलन यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग करती है। ठीक है, इट यूजेस
मैग्नेटिक लेविटेशन इन लो प्रेशर ट्यूब्स और टनल्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। पहला परीक्षण थर्स्ट टेस्ट कहाँ किया गया था, 2022 में किया गया था वर्जिन हाइपर लूप के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा हाइपर लूप और मानक रेल के बीच में दो प्रमुख अंतर होता है। देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन हाइपर लूप एंड स्टैंडर्ड रेल। फर्स्ट क्या है, पैसेंजर सीट्स इन पॉड्स एंड दैट ट्रेवल थ्रू ट्यूब्स एंड टनल्स इन विच मोस्ट ऑफ द एयर इज रिमूव टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो यात्री होते हैं वो पॉड्स, ये पॉड्स में विभिन्न प्रकार के पॉड्स जो होते हैं उसमें बैठते हैं, या फिर ट्यूब या सुरंग के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिसमें घर्षण को कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटा दिया जाता है, फ्रिक्शन को कम कर दिया जाता है। दूसरा अंतर क्या है, पहियों का उपयोग करने के बजाय पॉड्स एयर स्की पर तैरते हैं चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करके। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हील्स द पॉड्स विल फ्लोट ऑन एयर स्कीज और यूज मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, 2017 में IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा आविष्कार हाइपर लूप नाम की एक टीम बनाई गई थी। इन 2017 अ टीम नेम्ड आविष्कार हाइपर लूप वॉज फॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ IIT मद्रास। याद रखिएगा, आगे देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा सही नहीं है। Which of the following option is not correct about स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। The Union Ministry of Housing and Urban Affairs launched स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। दूसरा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी, कचरा मुक्त शहरों के लिए अवशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा ऑप्शन है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 3 R's पर निर्भर है, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, और चौथा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण का छठा संस्करण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये सही नहीं है, ये सिक्स्थ संस्करण नहीं है, एट्थ है, एट्थ एडिशन है। ठीक है, सिक्स्थ नहीं है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, ये याद रखना चाहिए। और 2016 से यह चालू है, 2016 से यदि अभी तक देखें, 2016 से 23 तक देखें, तो ये टोटल कितना साल होता है, 16 17 18 19 20 21 22 23, तो ये टोटल कितना होता है, 8 होता है, तो 8th एडिशन है ये। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड किसान फॉर फार्मर्स। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मद्रास, IIT मद्रास, रुड़की, दिल्ली और पटना। आंसर क्या हो जाएगा, IIT रुड़की इसका आंसर हो जाएगा। किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श दिया जाएगा, एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी दिया जाएगा फार्मर्स को, और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत IIT रुड़की द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय IIT रुड़की अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ठीक है, याद रखिएगा। किसानों को एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में सिखाया गया, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग और AMFU रुड़की के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। फार्मर्स वर टॉट अबाउट एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज ज्वाइंटली प्रोवाइडेड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड AFMU रुड़की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसानों को सप्ताह में 2 बार प्रिंट, विजुअल, रेडियो और IT जैसे माध्यम से फसल विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च्ड ग्रामीण कृषि मौसम सेवा टू प्रोवाइड क्रॉप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स ट्वाइस अ वीक थ्रू प्रिंट, विजुअल और रेडियो और IT एटसेट्रा। आगे देख लेते हैं। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है या उत्तर प्रदेश है, आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्यों, यह सेवा जो है वो नवी मुंबई क्षेत्र को मुंबई के मुख्य भूमि से जोड़ेगी। 37 करोड़ की यह परियोजना है, 37 करोड़ का। वर्तमान में 3 मार्गों पर चलेगा, पहला है बेलापुर से फेरीघाट घरेलू क्लोज टर्मिनल, और बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं, और बेलापुर से JNPT। ठीक है, और राज्य और केंद्र द्वारा कुल व्यय का आधा आधा भाग साझा किया जाएगा, हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी शेयर्ड बाय स्टेट एंड द सेंटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के 30 देश के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति 10 का आयोजन किया है। विद विच कंट्री इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूर्व संप्रति 10, नेपाल, बांग्लादेश,
भूटान या फिर म्यांमार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजन किया गया 5 से 16 जून तक 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर आयोजित किया गया, जसोर मिलिट्री स्टेशन। याद रखिएगा उद्देश्य क्या था, दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को मजबूत करना, यानी कि जो इंटर ऑपरेबिलिटी है दोनों देशों के बीच में उसको स्ट्रेंथन करना, और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास एवं परिचालन तकनीकों को समझना, अंडरस्टैंड ईच अदर्स टेक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशनल टेक्निक्स। ठीक है, इसके अलावा इंडियन कॉन्टिंजेंट रिप्रेजेंटेड बाय बटालियन ऑफ डोगरा रेजिमेंट, मतलब कि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया, डोगरा रेजिमेंट के एक बटालियन के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है, पर्पल रिवोल्यूशन। तो यह बैंगन, शिमला मिर्च, लेवेंडर या फिर स्ट्रॉबेरी, आंसर क्या हो जाएगा, लेवेंडर हो जाएगा। ठीक है, बैंगन है, बैंगनी है और यहाँ पर बैंगन है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लेवेंडर इज द राइट आंसर। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना है, तो याद रखिएगा रामबन जिला। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च पर्पल रिवोल्यूशन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अ पर्पल रिवोल्यूशन विल बी प्लान्ड बाय प्रमोटिंग लेवेंडर कल्टीवेशन अंडर द अरोमा मिशन ऑफ CSIR IIIM थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR और IIIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे करके बैंगनी क्रांति चलाई जाएगी। डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर यह किया जाएगा, ऑन द लाइन्स ऑफ डोडा एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही चला जा रहा है। बैंगनी क्रांति अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे दिए गए थे, और जिम्मेदार निकाय इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल बॉडी जो है वह है भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और साथ में जम्मू IIIM जम्मू एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये तीनों जो है इसके लिए जिम्मेदार निकाय है। आगे देख लेते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में 5 भारतीय शहर शामिल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। 5 इंडियन सिटीज आर अमंग द मोस्ट नॉइजी सिटीज इन द वर्ल्ड, व्हिच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, आसनसोल, जयपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, बाकी आसनसोल, जयपुर और मुरादाबाद तीनों शामिल है। UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है, शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का, नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस। ठीक है, याद रखिएगा नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस इस रिपोर्ट का शीर्षक है। ढाका दुनिया के सबसे ज्यादा शोर वाले शहर में शामिल है, उसके बाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे दुनिया में सेकेंड पोजिशन पर है, पहले पोजिशन पर कौन है, ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी, और तीसरे पोजीशन पर कौन है, तो तीसरे पोजीशन पर इस्लामाबाद है जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। सबसे शांत शहर कौन है, तो इरबिल शहर जॉर्डन का जो है वो सबसे शांत शहर है दुनिया का, और इसके बाद लियो फ्रांस और मैड्रिड स्पेन का स्थान है। लियो शहर जो है वो फ्रांस का है और मैड्रिड जो है वो स्पेन का है। ठीक है, तो सेकेंड पर लियो और थर्ड पर मैड्रिड हो जाएगा, और 5 शहर जो भारतीय शहर शामिल है सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में, उसमें है आसनसोल, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली और मुरादाबाद। ठीक है, तो लखनऊ इसमें नहीं है, याद रखिएगा, और ये पॉइंट निश्चित तौर पर याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं निसार मिशन के बारे में लिखित में से कौन सा असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट अबाउट निसार मिशन इज फॉल्स। निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। निसार मिशन को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। निसार उपग्रह में इसरो के द्वारा अब तक लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना लगाया जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, इसमें जो है इसरो के द्वारा नहीं बल्कि नासा के द्वारा लगाया जाएगा ये सबसे बड़ा अपर्चर रडार, सॉरी सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना। यह सैटेलाइट टेनिस कोर्ट के आकार के किसी भी क्षेत्र में ग्रह की सतह से 4 इंच की ऊंचाई पर किसी भी गतिविधि का पता लगाने में सक्षम होगा। द सैटेलाइट विल बी एबल टू डिटेक्ट एनी एक्टिविटी एट द हाइट ऑफ 4 इंचेस एबव द प्लैनेट्स सरफेस इन एन एरिया हाफ द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। ये भी सही है आपका। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो है ये गलत है, यहाँ पर नासा होगा, इसरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, नासा और इसरो के द्वारा, दोनों के द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह निसार जो है उसको 2023 में लॉन्च करने की योजना है। यह 3 वर्षीय मिशन होगा, 3 इयर्स का यह मिशन होगा, प्रत्येक 12 दिनों में पूरे ग्लोब की जांच यह कर देगा। ठीक है, विल स्कैन द इंटायर ग्लोब एवरी 12 डेज
पृथ्वी पर भूमि बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ का यह चित्रण करेगा। विल डिपिक्ट लैंड आइस शीट्स एंड सी आइस ऑन अर्थ। यह सैटेलाइट टिन, ये तो मैंने बता दिया कि सही था। नेक्स्ट है, नासा जो है वो इस उपग्रह के लिए रडार विज्ञान आग्रह हेतु हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डाटा सबसिस्टम देगा। नासा विल प्रोवाइड रडार, हाई रेटेड कम्युनिकेशन सबसिस्टम फॉर साइंस डाटा, जीपीएस रिसीवर एंड पेलोड डाटा सबसिस्टम फॉर दिस सैटेलाइट। और इसरो के द्वारा जो है वो स्पेस क्राफ्ट बस, दूसरे प्रकार के रडार यानी कि एस बैंड रडार, प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण संबंधी सेवा प्रदान की जाएगी। स्पेस क्राफ्ट बस, सेकेंड टाइप ऑफ रडार एस बैंड रडार, लॉन्च व्हीकल एंड लॉन्च रिलेटेड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय इसरो। और ये तो बता दिया मैंने कि नासा के द्वारा लगाया जाएगा सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना, और मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर नजर रखना, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बारे में चेतावनी के लिए संकेत भेजना, भूजल आपूर्ति निगरानी में मदद करना और बर्फ की चादरों को पिघलने वाली टेर का पता लगाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव आर टू ट्रैक सबटल चेंजेस ऑन द अर्थ सर्फेस, टू सेंड वार्निंग सिग्नल्स अबाउट वोल्केनिक इरप्शंस, टू हेल्प टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर सप्लाईज एंड टू ट्रैक द रेट एट विच आइस शीट्स आर मेल्टिंग। ठीक है, तो ये जो है निसार मिशन के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने संबंधी सरकार के फैसले की घोषणा की है। चार साहिबजादों में कौन शामिल नहीं है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनाउंस्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू सेलिब्रेट 26 दिसंबर एज वीर बाल दिवस इन द मेमोरी ऑफ सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह हु इज नॉट इंक्लूडेड इन चार साहिबजादा रंजीत सिंह, उसके बाद जुझार सिंह, जोरावर सिंह या फतेह सिंह। तो इसमें जो है रंजीत सिंह शामिल नहीं है, चार साहिबजादों में रंजीत सिंह नहीं है बल्कि अजीत सिंह है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें। ठीक, ये मैंने बता दिया आपको, चार बेटों को खालसा पंथ की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, ऑल द फोर ऑफ हिज सन्स वर इनिशिएटेड इनटू द खालसा कल्ट। 19 साल की आयु से पहले ही चारों साहिबजादे मुगल सैनिकों के हाथों शहीद हो गए थे। इवन बिफोर द एज ऑफ 19 द फोर साहिबजादे वर मार्टिर्ड एट द हैंड ऑफ मुगल सोल्जर। सिख धर्म की जाने वाली अरदास में गुरु गोविंद सिंह जी के इन चारों राजकुमार जो है उनको खालसा योद्धा माना जाता है और इनकी वीरता और बलिदान के लिए चार साहिबजादे के रूप में सम्मानित किया जाता है। दिस फोर प्रिंस खालसा वॉरियर्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी आर ऑनर्ड एज चार साहिबजादे फॉर दियर वैलर एंड सैक्रिफाइस इन द अरदास परफॉर्म इन सिखिज्म। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा होगी। याद रखिएगा सबसे पहले तो कि नई राजधानी क्या है, नुसंतारा होगी, और ये राजधानी परिवर्तन जो हुआ है उसका कारण क्या है उसके बारे में गलत कथन बताना है कि कौन सा कारण गलत है। इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल विल बी नुसंतारा, व्हाट इज रॉन्ग विद द रीजंस फॉर द चेंज ऑफ कैपिटल फ्रॉम जकार्ता। पहला है कि जकार्ता पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है। जकार्ता इज फेसिंग एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल इश्यूज, ये तो सही है कारण। दूसरा है फिनेंशियल इनइक्वालिटी यानी कि वित्तीय असमानता, ये भी सही है। तीसरा है जकार्ता में बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन जकार्ता, ये भी सही है। चौथा क्या है, जकार्ता के जलमग्न होने की संभावना बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि इस संदर्भ में यदि कुछ नहीं किया गया तो शहर के कई हिस्से वर्ष 2030 तक जलमग्न हो जाएंगे। जकार्ता इज इंक्रीजिंगली लाइकली टू बी सबमर्ज्ड एंड इट इज सेड दैट मेनी पार्ट्स ऑफ द सिटी विल बी सबमर्ज्ड बाय 2030 इफ नथिंग इज डन इन दिस रिगार्ड। तो ये जो है वो गलत है, 2030 तक नहीं 2050 तक जो है सबमर्ज होने की संभावना बताई गई है, 2050 तक। ठीक, तो 20 साल पहले यहाँ पर दे दिया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी जो है वो कथन गलत है। ठीक है, देख लेते हैं। इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित किया जा रहा है। इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू ईस्ट कालीमंतन एंड इसका नाम क्या होगा, नुसंतारा होगा। अब नुसंतारा जो है वो बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और राजधानी परिवर्तन का कारण क्या है, तो जकार्ता जो है वो पर्यावरणीय और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है, वित्तीय असमानता, जकार्ता में बढ़ती जनसंख्या, जकार्ता के शहर के कई हिस्से वर्ष 2050 तक जलमग्न हो जाएंगे इसका अनुमान है, और जकार्ता कई नदियों से घिरा हुआ है जिनमें बार बार बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो ये सब कारण है नुसंतारा चेंज करने के लिए। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात।
आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका बेंगलुरु में यह स्थापित किया गया है। डिजिटल डाटा वाटर डाटा बैंक जो है वो विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डाटा की एक सूची है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक इज अ लिस्ट ऑफ वाटर डाटा रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। यह सुरक्षित जल से युक्त दुनिया के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज एंड डिसीजंस फॉर सेफ वाटर वर्ल्ड। यह डेटा सामान्य विकास चुनौतियों और जल प्रदूषण से निपटने में भी मदद करेगा। दिस डेटा विल हेल्प इन टैकलिंग कॉमन डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड वाटर पॉल्यूशन। एक्वेरियम जो है वो भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक है। नाम याद रखिएगा, एक्वेरियम, ठीक है। यह एक्वा क्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ एक्वा क्राफ्ट वेंचर्स, ठीक है। और एक्वेरियम को बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, यह भी याद रखिएगा। लॉन्च डेट बेंगलुरु कर्नाटक। मेंशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किसने किया है? विच स्टेट हैड गॉन द फर्स्ट पोजिशन इन मिशन इंद्रधनुष? ऑप्शन क्या क्या है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ओडिशा। ओडिशा जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि फिफ्थ एडिशन जो है इसका, उसके अनुसार ओडिशा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सूची में सबसे ऊपर है। इसमें कवरेज कितना हुआ है? 90.5%। पूर्ण टीकाकरण के मामले में शामिल 12 बीमारियां कौन कौन सी हैं? 12 डिजीज कवर्ड बाय द वैक्सीनेशन आर कौन कौन है? तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? पोलियो, डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनेस। पीलिया किसको कहा जाता है? जॉन्डिस को कहा जाता है। टिटेनस हो गया, फिर हो गया काली खांसी, उसके बाद दिमागी बुखार, ठीक है, जिसको न्यूमोनिया कहा जाता है, उसके बाद एचआईवी हो गया यानी कि एड्स, फिर आपका खसरा हो गया, निमोनिया हो गया, दस्त हो गया, रुबेला हो गया, जापानी बुखार हो गया और अलग अलग बीमारियां अन्य है, ठीक है। तो टीबी हो गया, पोलियो, डिप्थीरिया, जॉन्डिस, टिटेनस, हूपिंग कॉफ, मेनिनजाइटिस, एचआईवी, मीजल्स, न्यूमोनिया, डायरिया, रुबेला, जापानी सेवा एंड अदर्स, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। तो लॉन्च डे 25th of December 2014 याद रखिएगा। यह योजना भारत सरकार में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो याद रखिएगा, कब तक? 2022 तक। द स्कीम सीक्स टू अचीव 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया एंड मेंटेन इट टिल ईयर 2022, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? चित्रकारी, तबला वादन, कथक कलाकार और सितार वादन। तो ये कौन थे? सितार वादक नहीं थे बल्कि कथक आर्टिस्ट थे, ठीक है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। बिरजू महाराज बिलोंग्ड टू द कालका बिंदादीन घराना ऑफ लखनऊ क्लासिकल कथक डांस फॉर्म। जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन 4th of February 1938 लखनऊ, याद रखिएगा। पुरस्कार कौन कौन से इनको मिले हैं? प्राइजेस मिले हैं 1983 में पद्म विभूषण मिला, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है और कालिदास सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। कथक जो है वो हिंदुस्तानी तथा उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है, याद रखिएगा। कथक इज द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस रिलेटेड टू हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अवॉइड विद मी की जगह बीटिंग रिट्रीट समारोह में कौन सा संगीत बजाया जाएगा? विच म्यूजिक विल बी प्लेड एट द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इंस्टीड ऑफ अवॉइड विद मी? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, मेरे वतन के लोगों और मेरे देश की धरती। तो अब जो है क्या बजाया जाएगा? अवॉइड विद मी की जगह पर मेरे वतन के लोगों बजाया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने का ये जो आपका संगीत है इसको हटा दिया गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में इसका फैसला लिया है और इसके जगह पर मेरे वतन के लोगों बजाया जाएगा, जो कि कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था भारत चीन युद्ध के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार 27 जनवरी 1963 को सी रामचंद्र के द्वारा बनाई गई धुन पर, धुन किसने बनाया? सी रामचंद्र ने बनाया। और सबसे पहली बार गाया किसने? लता मंगेशकर ने गाया था। कब? 1963 में। बीटिंग रिट्रीट समारोह क्या होता है जरा सा देख लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस उत्सव का आधिकारिक अर्थ, ऑफिशियल एंडिंग जो होता है वो बीटिंग रिट्रीट समारोह से होता है, और गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे के थर्ड डे 29 जनवरी को यह जो है
आयोजित किया जाता है रक्षा मंत्रालय के अनुभाग डी के द्वारा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्शन डी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में कौन सा कथन गलत है यह बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। पहला है कि अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 11वें साल टॉप यूनिवर्सिटी है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भारत में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इंडिया में टॉप पोजीशन दिया गया है। उसके बाद तीसरा है 40 भारतीय संस्थान ने रैंकिंग में जगह बनाई है, 14 इंडियन इंस्टीट्यूट्स मेड इट टू द रैंकिंग। और चौथा है विश्व में दूसरा संस्थान कौन सा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये सही है, विश्व में दूसरा स्थान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का है, पहला MIT का है, सही है। ये भी सही है कि सर्वोच्च स्थान भारत में IISc को दिया गया है, ये गलत है क्योंकि भारत के 41 संस्थान है, 40 नहीं। ठीक है, तो जरा सा यहाँ पर गलती हो गई है और यही क्वेश्चन भी होता है कि आपको फंसा दे, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरा नाम जो है क्यूएस का वो है क्वाक्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए वैश्विक करियर और शैक्षिक नेटवर्क है, ग्लोबल करियर एंड एजुकेशनल नेटवर्क फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक संस्करण प्रकाशन है, मतलब कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग का वार्षिक प्रकाशन है, एनुअली ये जो है पब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा। वैश्विक समग्र और विषय रैंकिंग इसमें शामिल होता है, इंक्लूड्स ग्लोबल ओवरऑल एंड सब्जेक्ट रैंकिंग। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc को सर्वोच्च स्थान दिया गया है भारत में, और इसके बाद किसका स्थान है, तो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का स्थान है। सेकेंड पोजिशन IIT बॉम्बे, थर्ड पोजिशन IIT दिल्ली और फर्स्ट पोजिशन IISc बेंगलुरु। वैश्विक स्तर पर मतलब कि ग्लोबली जो है शीर्ष 1000 में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या जो है वो 22 से बढ़कर 27 हो गई है। ठीक है, ये अच्छी खबर है। और कुल मिलाकर 41 भारतीय शिक्षा संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने 4 जून 2022 को कहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ किया। वेयर डिड द जूनियर होम मिनिस्टर लॉन्च खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ऑन 4th of June 2022। तो ये जो है पंचकुला हरियाणा, अंबाला हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान, कहां पर किया गया, तो पहला ऑप्शन पंचकुला हरियाणा में ये किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा संस्करण होगा, फोर्थ एडिशन होगा, याद रखिएगा। वर्ष 2018 में इसको शुरू किया गया था, लॉन्च डे 2018, और ये पंचकुला हरियाणा में इस बार आयोजित किया जा रहा है चौथा संस्करण। पहली बार 5 पारंपरिक खेल इसमें शामिल किए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम 5 ट्रेडिशनल गेम्स आर बीइंग एडेड, गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखंब और योगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका गतका, कलारीपयट्टू और थांगता जो है वो आपका ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। ठीक है, और इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक और 8 ईयर्स 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन आर प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5 लाख पर ईयर फॉर अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 40 लाख रुपए दिए जाते हैं 8 साल में। कौन सी भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? विच इंडियन बिलियनियर टॉप द हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन 2022 इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, याद रखिएगा, किरण मजुमदार सौ, फाल्गुनी नायर, राधा बेंबू या नीतू अंबानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राधा बेंबू, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाल्गुनी नायर, याद रखिएगा, ये गलत हो गया, आंसर जो होगा वो फाल्गुनी नायर होगा। ठीक है, फाल्गुनी नायर ये सही। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। किरण मजुमदार सौ बायोकॉन की है, इसके अलावा फाल्गुनी नायर जो है वो नायका की है, और राधा बेंबू जो है वो जोहो से संबंधित है, ये सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको। और यह जो है आपका लेटेस्ट जो हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 आया है उसमें ये तीनों शामिल हैं। वू यजुन जो है बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर है, इनको टॉप पोजीशन दिया गया है, याद रखिएगा, वू यजुन चाइना की। और इसमें नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर को शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रखा गया है, और इनकी संपत्ति कितनी है, $7.6 अरब। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला किरण मजुमदार सौ को पीछे छोड़ दिया इन्होंने,
और यह जो है नायका की सीईओ शीर्ष 10 में तो शामिल है, साथ में भारत में सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला चुनी गई है। और सब इससे पहले जो है वो किरण मजुमदार सौ थी जिनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आगे देख लेते हैं एबल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले डेनिस पॉर्नेल सुलिवन किस देश से संबंधित है। डेनिस पॉर्नेल सुलिवन हु रिसीव्ड द एबल प्राइज 2022 बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। क्या हो जाएगा, अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर के द्वारा वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो अनाउंस किसके द्वारा किया गया, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर। और ये जो है अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को दिया गया। किसके लिए, टोपोलॉजी के बीज गणितीय ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ऑनर्ड फॉर हिज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द अल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक एंड डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी जो है गणित का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसका संबंध किसी भी प्रकार की सतह के ऐसे गुणों से है जो विकृत होने पर भी नहीं बदलते हैं। टोपोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टाइप ऑफ सरफेस दैट डू नॉट चेंज व्हेन डिफॉर्म्ड। स्थापना इसकी कब की गई थी, एबल पुरस्कार की 1 जनवरी 2002 को की गई थी। उद्देश्य क्या है, तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को सम्मानित करना। टू ऑनर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और प्राइज मनी इसमें कितना होता है, 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर होता है, यानी कि 6,25,000 यूएस डॉलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा गणित का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, फील्ड मेडल है, याद रखिएगा। और फील्ड मेडल भी दे दिया गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। 40 वर्ष की आयु तक के गणितज्ञों को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर यह जो फील्ड मेडल है वो दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, 2022 की थीम है परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित रखना। टुवार्ड्स एन इको फ्रेंडली प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इगालिटेरियन फ्यूचर। नेक्स्ट है यह ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। दिस इज द मेजर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यानी कि TERI। यह वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों में आयोजित होने वाला एकमात्र शिखर सम्मेलन है। इट इज द ओनली समिट ऑन ग्लोबल इश्यूज टू बी हेल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। और चौथा क्या है, द 21st एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2022। ये हो गया 2022 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 21वें संस्करण आयोजित किया गया। अब इसमें कौन सा कथन सत्य है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो है चारों कथन सत्य है, यानी कि सभी कथन सत्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन सार्वभौमिक महत्व के जलवायु मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श करने के लिए एक मंच है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट फोरम टू डिस्कस एंड डेलिबरेट ऑन क्लाइमेट इश्यूज ऑफ यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस। और यह जो है दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन के परंपरा के अनुसार है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशन ऑफ दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट DSDS। DSDS लॉन्च कब हुआ था, तो 2001 में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा 2001 में लॉन्च हुआ था DSDS। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सतत विकास को विश्व स्तर पर साझा लक्ष्य बनाना। टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ कॉमन गोल ग्लोबली। सतत या संवहनीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि देखे तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज के डेट में हम उतना ही खर्च करें कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए संसाधन बच सके, प्राकृतिक संसाधन। इसी को कहा जाता है सतत तथा संवहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की यह परिभाषा जो है वो ब्रटलैंड आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी गई थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह डेफिनेशन जो है वह कौन दिया था, ब्रटलैंड कमीशन दिया था, जिसका रिपोर्ट था आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। TERI वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1974। स्थापना 1974 में की गई थी टेरी की एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एनर्जी इश्यूज। ठीक है, याद रखिएगा 1974 में स्थापना की गई थी टेरी की एक सूचना ऊर्जा मुद्दों पर एक सूचना केंद्र के रूप में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदारम जतारा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ मंजूर किए हैं। यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सैंक्शन 2.26 करोड़ फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेदारम जतारा। इट इज सेलिब्रेटेड बाय फिश ट्राइब्स कोया, सेंटलीस, कोरबा और गोंड। तो यह जो है कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। मेदारम जतारा जो है वो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ। ठीक है, तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा 4 दिन तक मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड फॉर 4 डेज बाय कोयल ट्राइब ऑफ तेलंगाना। ठीक है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है, कहाँ का? तेलंगाना का। 1996 में जतारा जो है जातरा, जिसको कि सम्मक्का सरलम्मा जतारा भी कहा जाता है, इसको राज्य महोत्सव घोषित किया गया था तेलंगाना के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला यह है, एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर। क्या नाम है? मेदारम जतारा। मेदारम जतारा जो है वो देवी सम्मक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। मेदारम एतुर्नगरम, मेदारम एतुर्नगरम वन्य जीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है, जो कि दंडकारण्य का एक हिस्सा है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जीवित वन क्षेत्र है। मेदारम इज अ रिमोट लोकेशन इन एतुर्नगरम, एतुर्नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दंडकारण्य एंड इज द लार्जेस्ट लिविंग फॉरेस्ट एरिया इन द रीजन। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC? तो मुकेश सोनी, मनोज सोनी, मनोज शंकर और मुकेश शंकर। आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सोनी। याद रखिएगा, यूपीएससी के जो आपके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, मनोज सोनी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि उसके वाइस चांसलर रह चुके हैं और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के भी कुलपति रह चुके हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति रहे। मनोज सोनी हैज बीन द वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एंड MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म है तो मनोज सोनी है, याद रखिएगा। यूपीएससी की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 10 अन्य सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं एंड 10 अदर मेंबर्स होते हैं, और जिनका अपॉइंटमेंट और जो रिमूवल है वो दोनों किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब नियुक्ति और पदच्युति दोनों। अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल की अवधि तक होता है या फिर 65 साल की उम्र पूरी होने तक होता है। ठीक है, अनुच्छेद 316 में दिया गया है सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की अवधि के बारे में। आगे देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022-23 वित्तीय वर्ष में अनुमानित संशोधित वैश्विक व्यापार वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड रिवाइज्ड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ रेट इन द फिस्कल ईयर 2022-23 एज पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 3.5%, 2.5%, 3% और 2%। आंसर क्या होगा? 3%। ठीक है, वैश्विक व्यापार संगठन ने इस वर्ष अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है। पहले कितना था? 4.7% था, अब कितना कर दिया गया? 3% कर दिया गया है। क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध प्रभाव के कारण। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिवाइज्ड इट्स ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 4.7% टू 3% दिस ईयर ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। 2023 में यह बढ़कर कितना हो जाएगा? 3.54% हो जाएगा, यह भी याद रखिएगा। संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में एक चेतावनी जारी की है जो दुनिया को प्रभावित कर सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो इश्यूड अ वार्निंग अबाउट द पोटेंशियल फूड क्राइसिस दैट कुड अफेक्ट द वर्ल्ड। रूस और यूक्रेन के से निर्यात में व्यवधान है और यह निर्यात संकट कीमतों को बढ़ा रहा है जो दुनिया भर के गरीब देशों को प्रभावित करेगा। देयर आर डिसरप्शंस इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। दिस एक्सपोर्ट्स क्राइसिस इज ड्राइविंग अप प्राइसेस दैट विल अफेक्ट पुअर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि रूस और यूक्रेन से बहुत सारे खाद्यान्नों का निर्यात किया जाता है। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक लॉन्च किया है, इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। नीति आयोग हैज लॉन्च द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस। इस सूचकांक में 6 मापदंडों का उपयोग किया गया है, ये सही है। 6 पैरामीटर्स आर यूज्ड इन दिस इंडेक्स भी है। इन मापदंडों को आगे 25 संकेतकों में विभाजित किया गया है, ये गलत है। 25 संकेतक नहीं है, टोटल 27
संकेतक होते हैं 27, तो ये जो है गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बड़े राज्यों में शीर्ष तीन राज्य कौन कौन है, गुजरात, केरल और पंजाब, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों को इस सूचकांक में सबसे नीचे रखा गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है, बी है गलत। 27 संकेतक होंगे, 27 इंडिकेटर्स। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इस जो ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना इसमें शामिल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन द एनर्जी एंड क्लाइमेट सेक्टर। 6 पैरामीटर्स कौन कौन है, तो एक्सेसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी यानी कि पहुंच सामर्थ्य और ऊर्जा की विश्वसनीयता। दूसरा क्या है, डिस्कॉम, डिस्कॉम किसको कहते हैं, विद्युत वितरण कंपनियां जो है उनको कहते हैं। तो डिस्कॉम का प्रदर्शन, तो मतलब परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उसके बाद है एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता। उसके बाद क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव यानी कि स्वच्छ ऊर्जा पहल। उसके बाद न्यू इनिशिएटिव्स मतलब नई पहलें। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण स्थिरता या सततता। द क्राइटेरिया फर्दर डिवाइडेड इंटू 27 इंडिकेटर, जैसा मैंने बताया 25 नहीं 27 होगा। ठीक है, 27 मापदंड। टॉप 3 स्टेट अमंग स्मॉल स्टेट्स आर गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। एंड 3 रीजंस इन द यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दिल्ली एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। ठीक है, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज में देखें तो टॉप में कौन कौन है, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन और दीव, दादर नगर हवेली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन के बाद पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का नया लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है। व्हेन इज द न्यू टारगेट ऑफ अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल सेट आफ्टर अमेंडमेंट इन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। तो 2022-23, 23-24, 24-25, 25-26, तो नया जो लक्ष्य है वो रखा गया है 25-26 का। ठीक है, 2025-26 रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है किसमें, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में। और लक्ष्य जो पहले एम था 2030 उसको अब 2025-26 कर दिया गया, मतलब पहले ही कर दिया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति यानी कि बायोफ्यूल पॉलिसी जो है 2018 बायो इथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी पर केंद्रित है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 फोकसेस ऑन बायो इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायो सीएनजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस नीति के प्रमुख भाग इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल मतलब कि दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल का उत्पादन, और तीसरा है फीडबैक फीड स्टॉक में R&D यानी कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फीड स्टॉक। ठीक है, प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करना था, मतलब इससे पहले जो था। वर्तमान में अखिल भारतीय औसत सम्मिश्रण कितना है, जो एवरेज ब्लेंडिंग है प्रेजेंटली वो है 9.90, याद रखिएगा 9.90%। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में शामिल कर लिया है, यह किस राज्य में अवस्थित है। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इंक्लूडेड पुनौरा धाम इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो यह जो है बिहार में अवस्थित है, और बिहार सरकार ने ही इसके लिए बोला था, मतलब कि अनुरोध किया था, और उसके आधार पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में शामिल किया गया है। पुनौरा धाम पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत भी शामिल है। पुनौरा धाम ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, याद रखिएगा प्रसाद योजना कौन चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पुनौरा धाम जो है वो माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है नहीं माना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यह सीतामढ़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, पुनौरा गाँव में, और लगभग 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीतामढ़ी शहर में यह स्थित है। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर है, सीताकुंड नामक एक तालाब है और एक हॉल भी बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा सरमक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरमक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली। ऑप्शन है ईरान, रशिया, सऊदी अरब या इजिप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा आंसर इसका सही। देख लेते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का परीक्षण रूस ने 20 अप्रैल 2022 को किया, याद रखिएगा। RS-28 सरमट, नाटो नाम इसका क्या है, सैटर्न 2 है।
ठीक है, न्यूनतम 10 डिकॉय और वार हेड ले जाने में सक्षम है। द आरएस 28 सरमट नाटो नेम सैटर्न 2 इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ मिनिमम ऑफ 10 डिकॉयज एंड वार हेड्स। यह पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर फायरिंग की क्षमता रखती है। इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग एट एनी पोल ऑफ द अर्थ। और इसकी मानव क्षमता क्या है, फायर पावर जो है वो 11,000 से 18,000 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ विकसित किया जाएगा। वेयर विल द स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी डेवलप्ड। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी। आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने हेतु नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन बिटवीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसटीसी एंड डीपी वर्ल्ड ऑफ यूएई टू डेवलप अ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स और प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह केंद्र कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। दिस सेंटर्स विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू स्किल द यूथ ऑफ द कंट्री एज पर द डिमांड ऑफ वेरियस इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स लोकेटेड इन कंट्रीज लाइक कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल एटसेट्रा। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद एक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन है जिसमें 6 मध्य पूर्वी देश शामिल है। कौन कौन से देश हैं, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है और बहरीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में 6 देश कौन कौन से शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट के 2022 संस्करण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट 2022 एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO। पहला है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का प्रमुख प्रकाशन है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो है आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स। यह जो है देखना पड़ेगा। फॉरेस्ट कवर 4.06 बिलियन हेक्टेयर 31% ऑफ द अर्थ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हिंदी में जो है हर साल प्रकाशित होता है और यहाँ पर दिया हुआ है एवरी 2 ईयर्स, तो ये जो है 2 को यहाँ से हटा लीजिएगा, एवरी ईयर होगा। ठीक है, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर, ये होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, और ये जो होगा गलत हो जाएगा क्योंकि यह हर एक 2 साल पर प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यही जो होगा आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो सही है। फॉरेस्ट कवर 4.06 बिलियन हेक्टेयर 31% ऑफ द अर्थ ज्योग्राफिकल एरिया और इन द लास्ट 30 इयर्स बिटवीन 1990 एंड 2020 द वर्ल्ड हैज लॉस्ट अबाउट 10.3% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये भी कथन सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें असत्य कथन कौन सा है कि हर साल प्रकाशित होता है, ये गलत है, हर एक 2 साल पर प्रकाशित होता है, ये सही है। ठीक है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO का 2022 संस्करण विश्व वानिकी कांग्रेस 2 मई 2022 के पहले दिन जारी किया गया। 2022 एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO रिलीज्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस मे टू 2nd of May 2022। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार का प्रयास करती है। द FAO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट सर्व स्ट्राइव्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। पिछले ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, 2015 और 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। बिटवीन 2015 एंड 2020 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर। इससे जंगलों में रहने वाले 68% स्तनपाई प्रजातियों, 75% पक्षी प्रजातियों और 80% उभयचर प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है। दिस पोजेज अ सीरियस रिस्क टू 68% ऑफ द मैमल स्पीसीज, 75% ऑफ द बर्ड स्पीसीज एंड 80% ऑफ द एम्फीबियन स्पीसीज लिविंग इन फॉरेस्ट, याद रखिएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के नवीनतम संस्करण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। फर्स्ट है, द इंडेक्स इज अ डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड बाई एनियली फॉर द लास्ट 15 ईयर्स।
यह सूचकांक पिछले 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक का प्रत्यक्ष क्रमिक विकास है। दूसरा है, इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत को 54th पोजीशन पर रखा गया है लेटेस्ट एडिशन में। थर्ड है, वैश्विक सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, अमेरिका इज एट द टॉप पोजीशन इन ग्लोबल लिस्ट। वैश्विक या जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इट इज पब्लिश्ड बाय और इश्यूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पर जो है आपका गलत कौन सा है वो देखना है हमें। तो इसमें जो है थर्ड जो है स्टेटमेंट ये गलत है, अमेरिका जो है वो टॉप पोजीशन पर नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 ये तीनों जो है वो सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ये सही है, तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं नवीनतम संस्करण लेटेस्ट एडिशन में भारत जो है वो 54th पोजीशन में है और 2019 में कौन सा पोजीशन था, 42nd पोजीशन था, ठीक है। भारत जो है वो दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष पर है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज में भारत जो है वो टॉप पोजीशन पर है। वैश्विक सूची में जापान शीर्ष पर है, यही गलत स्टेटमेंट था, जापान जो है वो शीर्ष पर है, टॉप पर है, अमेरिका नहीं है। और सेकेंड पोजीशन पर है अमेरिका, थर्ड पर स्पेन, फोर्थ पर फ्रांस, उसके बाद जो है आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान आता है। और यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है, विच कंट्री हैज बिकम द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22, अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सिंगापुर। आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है और चीन को इसने पीछे छोड़ दिया है, ओवरटेक कर लिया है चाइना को। यूएस बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22। 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो बायलेटरल जो ट्रेड है वो कितना रहा है, तो $119.42 बिलियन रहा है भारत का अमेरिका के साथ बायलेटरल ट्रेड। और 2020-21 में यह जो था कितना था, $80.51 बिलियन था। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है, यानी कि ट्रेड सरप्लस है, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसका $9 अरब था। इसके बाद सऊदी अरब 42.85 अरब डॉलर, इराक जो है वो 34.33 अरब डॉलर और सिंगापुर 30.30 अरब डॉलर का स्थान है, ठीक है। तो नंबर वन पर कौन है, अमेरिका है, नंबर टू पर कौन है, चाइना है, और नंबर थ्री पर कौन है, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, याद रखिएगा, UAE है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन टोटल देखे हैं, करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन है, जहां से बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ लिंक है जिसके जरिए आप लोग BPSC के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं पेड प्रोग्राम्स, इसमें टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह शामिल है, उसको ले सकते हैं। तो ये सब आपका लिंक वगैरह दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ चंद्रवर्धन, जय हिंद, वंदे मातरम।